तो गाइज मिस्टर बीस्ट को तो हर कोई व्यक्ति जानता है क्योंकि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है इनके। इन्होंने एक ट्वीट पोस्ट किया था रिगार्डिंग रिवेन्यू। अब ये रिवेन्यू ट्वीट क्या था और कैसे शिबा इनू कम्युनिटी इसका बेनिफिट उठा सकती है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले। उससे पहले यहाँ पर जानकारी देते हैं शिबा इनू से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज की जो शिबा इनू के प्राइस को बूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है शिबा इनू बिकेम ऑफिशियली पार्टनर ऑफ ए फीमेल फोकस्ड इथेरियम वुमन हैकथॉन। यानी एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये होगा अगस्त के बीच में, यानी अगस्त 15-16 को ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा टोरंटो कनाडा के बीच में, जहां पर शिबा इनू को अनाउंस किया एज ए ऑफिशियली टेराबाइट स्पॉन्सर। और ये किसके स्पॉन्सर है? अपकमिंग इथेरियम वुमन हैकथॉन के। ठीक है, अब यहां पर इसका क्या कुछ रिजल्ट निकल के सामने, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें वर्चुअली चीजें भी दिखाई जाएंगी जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, और सायतोशी कुशामा ने बहुत ज्यादा ट्वीट पोस्ट किए थे इसी के रिगार्डिंग इवेंट के रिगार्डिंग। तो देखना ये होगा भाई इस इवेंट में क्या कुछ शिबा इनू का प्राइस में बूम देखने को मिलता है, क्योंकि सभी को उम्मीद यही है भाई इसके बाद शिबा इनू के प्राइस में बूम देखने को मिला। हालांकि शिबेरियम लेयर 2 आने के बाद भी बूम देखने को मिल सकता है यहां पे शिबा इनू के प्राइस में। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे बोन टोकन की, क्योंकि नीदरलैंड की रिपोर्ट मान तो, हालांकि रिपोर्ट जो दी है वो दी है कोएन गीगो ने, क्योंकि कोएन गीगो क्या करता है क्रिप्टो ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो को ट्रैक करता है, कौन सा क्रिप्टो कितना ज्यादा पॉपुलर है, कितनी ज्यादा ग्रोथ पा रहा है, कितने ज्यादा पीपल्स उसको परचेज कर रहे हैं, कितनी ज्यादा उसकी ट्रेडिंग चल रही है। तो उसके बीच में जो हमारा बोन टोकन है नीदरलैंड के बीच में सबसे टॉप पे चलता हुआ नजर आया। यहां पर भी चेकआउट कर सकते हो कॉइन गीगो की रिपोर्ट यूरोप मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो 2023, और ये जो रिपोर्ट है ये 1 जनवरी से 9 जुलाई 2023 तक की है। यूके की बात करें तो इसमें शिबा इनू और शिबा इनू का कोई भी इकोसिस्टम का टोकन नजर नहीं आएगा, हालांकि नीदरलैंड के बीच में नंबर 2 पे बोन टोकन आपको नजर आएगा। सेम वे में जर्मनी में भी देख सकते हो, पोलैंड में भी देख सकते हो। तो सिर्फ नीदरलैंड के बीच में हमारा बोन टोकन यानी बोन टोकन अच्छा खासा कल तो नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बात करें तो साउथ अफ्रीका और इवोरी कोस्ट के बीच में भी शिबा इनू बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नजर आता हुआ नजर आया। चलिए यहां पर भी रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, कोइन गीगो की ही सेम रिपोर्ट है और यहां पर भी देख सकते हो आप इवोरी कोस्ट में नंबर 3 पे शिबा टोकन चलता हुआ नजर आया, मतलब काफी ज्यादा चर्चा में और काफी ज्यादा इस पर ट्रेड किया जा रहा है। सेम वे में साउथ अफ्रीका में भी नंबर 2 पे शिबा इनू पे ट्रेड किया जा रहा है, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में अब लोग इसको परचेज कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, सेल आउट नहीं कर रहे हैं, मतलब कम सेल कर रहे हैं, सिर्फ वो मैक्सिमम उसको क्या कर रहे हैं होल्ड कर रहे हैं। और मेरी भी यही हिदायत है आपको भाई, होल्ड जितना ज्यादा करोगे, मतलब होल्ड इज गोल्ड है यार इस चीज में। आप ये मत देखो भाई अभी प्राइस कितना ज्यादा डाउन है, लेकिन आप होल्ड करोगे तो अच्छा खासा पंप आपको देखने को मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शिबेरियम की, तो गाइज अभी शिबेरियम आई नहीं है, लेकिन शिबेरियम की जो चर्चा है उसके कारण जो शिबा इनू के मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। अब आप चेकआउट कर सकते हो, मार्केट शेयर इंक्रीजेस बाय $610 मिलियन एज शिबेरियम लॉन्च अपीयर्स। और यहां पर क्या धीरे 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 लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है शिबा इनू का। अब मैं आपको बात करता हूं यहां पर जो मिस्टर बीस्ट ने ट्वीट पोस्ट किया था उसके बारे में, क्योंकि यहां पर क्या था वो ट्वीट कैसे हेल्पफुल रहेगा हमारी कम्युनिटी के लिए वो देखिए। सबसे पहले मिस्टर बीस्ट ने पोस्ट किया भाई जो सबसे ज्यादा लाइक करेगा और रिप्लाई देगा 48 घंटे में मेरे इस ट्वीट पे, तो मैं जो भी रिवेन्यू बनेगा नेक्स्ट मंथ का वो सारे के सारा उधर मैं लगा दूंगा। मतलब इनका यह था जितना भी रिवेन्यू इनका जनरेट, क्योंकि इनका यार करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको यह पता सबसे ज्यादा जो भी लाइक्स करेगा, सबसे ज्यादा जो भी रिप्लाई देगा 48 घंटे में, वो मैं अपना सारा रिवेन्यू उधर कर दूंगा। तो इस पे हमारे क्या किया शिबा बर्न, हमारा जो पेज है जहां पर हम बर्निंग की पूरी रिपोर्ट रखते हैं, उन्होंने बोला अगर हम जीत गए तो आप जितना भी आपका रिवेन्यू होगा शिबा इथेरियम यानी बर्निंग में लगा देना, शिबा इनू की बर्निंग में लगा देना। आप सोच के देखोगे जब करोड़ों रुपए की बर्निंग होगी तो कितने ज्यादा टोकन्स की बर्निंग देखने को मिलेगी यहाँ पे। और साथ के साथ अगर बर्निंग की बात करो तो लास्ट 24 आवर की रिपोर्ट देखें तो लगभग 35 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया गया है पिछले 24 घंटे के बीच में 9 ट्रांजैक्शन के थ्रू, यानी एक बर्निंग बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, भाई शिबा इनू का क्या कुछ प्राइस चल रहा है, सबसे पहले मार्केट में क्या कुछ प्राइस चल रहा है और मार्केट खुद किस प्राइस पे चलती हुई नजर आ रही है। अगर मार्केट की बात करें तो प्लस माइनस 1 पे चलती हुई नजर आई है मार्केट। करंटली बात करें तो लगभग माइनस के 1% पे अभी करंट में चल रही है। ट्रेंडिंग टोकन की बात करें तो XRP ऊपर आ चुका है, पेपे टोकन नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा चुका है, मतलब नंबर 3 पेपे चल रहा है, XRP टॉप पे आ चुका है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन पिछले 24 घंटे में प्लस माइनस 1 पे ही घूमता नजर आया। सेम वे में इथेरियम भी प्लस माइनस 1
पोजीशन पे ही नजर आया। हालांकि पिछले 6-7 दिनों से मार्केट ने इतने ज्यादा पंप नहीं लिए, उससे लास्ट वीक अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है, लेकिन पिछले ही हफ्ते से मान के चलो ये सैटरडे संडे मंडे और आज ट्यूजडे, तो मतलब लगातार 4 दिन हो चुके मार्केट में इतना खास पंप देखने को नहीं मिला। बात करें अगर शिब इनू की, तो सबसे पहले शिब इनू का रैंक अभी 19 पे पड़ता हुआ नजर आया। शिब इनू प्राइस की बात करें तो लगभग माइनस के 2% पे चलता हुआ नजर आया शिब इनू का प्राइस। प्राइस ग्राफ की बात करें तो डंपिंग पंपिंग लगातार चलती हुई नजर आई है, लेकिन इतना ज्यादा पंप भी नहीं देखने को मिला भाई, प्राइस एकदम से बूम हो जाए, इतना ज्यादा डंप भी देखने को नहीं मिला भाई, प्राइस एकदम से डाउनवर्ड की तरफ चला जाए। ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो माइनस में चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम पे नजर डालोगे तो माइनस के लगभग 25% आप अराउंड मान सकते हैं, राउंड फिगर में वो चलता हुआ नजर आया। हालांकि बढ़ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम माइनस के 33% 34% से घूम के इधर आया और ये माइनस के 13% पे गया, फिर से माइनस के लगभग 25% पे जा चुका है, तो इतनी खास कोई बात है नहीं है। तो गाइस यही था इस वीडियो के बीच में, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दे, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के अपडेट यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।